जय श्री राम। हे दुख भंजन मारुति नंजन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। तो दोस्तों, जैसे सबको पता है कि पवन सुत हनुमान ये हमेशा ही धरती पर विचरण करते हैं, क्योंकि इनको वरदान दिया हुआ है श्री राम जी और सीता मैया का। इसलिए जब भी इनको दिल से पुकारा जाए तो ये कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में ना देखते हुए तुरंत उनके दुखों को हर लेते हैं। भगवान हनुमान जी, अगर उनको दिल से आप थोड़ी देर भी उनको ध्याएं तो आप उन्हें आसपास ही महसूस करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो दुख उन्होंने कैसे आपके घर लिए। लेकिन जब भी हम भगवान जी को याद करते हैं तो हमें एक उनमें आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। हम कई बार क्या होता है कि हमारे पास दुखी दुख होते हैं, दुखों से घिर रहते हैं, हम कहते हैं क्या भगवान है, एक दुख खत्म नहीं होता दूसरा दुख शुरू हो जाता है, तो भगवान नहीं है। हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर हम भगवान की परीक्षा लेते हैं तो भगवान हमारी भी परीक्षा लेते हैं कि हम उस परीक्षा में कितना खरा उतरते हैं। लेकिन जब हम उस परीक्षा में हम सफल हो जाते हैं तो भगवान जी के साथ हमारा जो संबंध है वो अटूट हो जाता है भगवान। इसलिए हमें बहुत जल्दी निराश नहीं होना चाहिए। अगर दुख सुख ये एक जीवन के दो पहलू हैं, ये है कि अगर दुख है तो सुख जरूर आएंगे, लेकिन अगर हम भगवान जी को ध्याते हैं, भगवान जी का स्मरण करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे दुखों को जरूर हरते हैं। भगवान जी को हम हर रोज उनका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक स्पेशली समय नहीं होता। लेकिन इसका स्पेशल दो दिन होते हैं हनुमान जी को ध्याने के, उनकी पूजा के लिए, मंगलवार और शनिवार। मंगलवार को इसलिए किया जाता है क्योंकि उस दिन हनुमान जी का जन्मदिन होता है। वो बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न मुद्रा में होने की वजह से हर भक्त पर अपनी कृपा करते हैं। और अगर हम शनिवार को उनका स्मरण करते हैं तो शनि देवता के कोप से हम बचे रहते हैं, हमारे पर शनि देवता की भी कृपा दृष्टि रहती है। इसलिए हमें शनिवार को भी उनका स्मरण करना चाहिए। और अगर हम कोई भी ऐसा निश्चय कर लेते हैं कि हम 11 दिन या 7 दिन हम इस समय पर पाठ करेंगे, एक निश्चित समय पर करना चाहिए। आप 7:15 कर सकते हो, 8:15 कर सकते हो, 5:15 कर सकते हो, तो कोशिश करें कि आप 1:15 टाइम पे ही करें। जब भी भगवान को ध्याएं तो 1:15 में ही होना चाहिए, इससे जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। जब भी करें दिल से करें, मन से करें, लगन से करें, निष्ठा से करें, विश्वास से करें, तभी वो हमारी भक्ति उनको लगेगी। लेकिन अगर हम एक दिखावा मात्र कर रहे हैं कि हमें 40 दिन करना है, हमें 7 दिन करना है या हमें 11 दिन पाठ करना है, तो ऐसे दिखावे के लिए या एक फॉर्मेलिटी आपने नहीं करनी। जब भी करना है कहती हैं दिल से उनको याद करें। जब भी हम दिल से याद करते हैं तो भगवान जी हमें अवश्य दर्शन देते हैं। और कहते भी हैं कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या बजरंग बाण करते हैं या रामायण जी का पाठ करते हैं या सुंदरकांड जी का पाठ करते हैं तो भगवान हनुमान जी स्वयं वहाँ जरूर पधारते हैं
और इसका अनुभव भी आपको होता है। कई बार हम पाठ कर रहे होते हैं, हमारे आंखों से जो अश्रुधारा है अपने आप बहने लगती है। इसका मतलब है कि हम भगवान जी के बिल्कुल करीब हैं। कई बार होता है हमें उबासियाँ सी आने लग जाती हैं, तब भी आप महसूस करें कि आप भगवान के ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो यहीं से हमें एक वो सिम्टम होते हैं, पता लग जाता है, एक अंदरूनी एक शांति सी मिलती है हमें, एक राहत सी मिलती है कि भगवान हनुमान जी हमारे पास हैं। तो इस तरह से आप जब भी पाठ करें, एक तो निश्चित समय पर, निश्चित जगह पर, और कोशिश हो या तो पूर्व दिशा की तरफ फेस करें और या उत्तर की तरफ फेस करके ही आप उनकी भक्ति करें, तो देखें कि आप कितने ही ऊंचाइयों पर चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हर मोड़ पे आपको सफलता मिलेगी, जीवन में आपका कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो ऐसा मेरा भी विश्वास है, तभी मैंने आपसे ये वीडियो शेयर की, और इसलिए तो मेरी आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप भी भगवान में ऐसा ही विश्वास बनाएंगे ताकि भगवान आपके भी सभी दुखों को हरे। तो ऐसी मेरी एक तहे दिल से कामना है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हनुमान।